आई थिंक वो अभिषेक को भी और करीब से हग करके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्रिज, जिसमें हम बात करने वाले मनीषा रानी के बारे में, जिनको आज क्रेजी दीप और सम्राट भाई ने बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। जिसमें गाइस सम्राट भाई ने उनके ऊपर बहुत ही लंबा वीडियो निकाला है, जिसमें उन्होंने मनीषा रानी के पुराने कंटेंट को लेकर भी बात की है। और गाइस क्रेजी दीप ने भी उनको बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज किया है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि क्रेजी दीप और वीर चौधरी का वीडियो काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन मैं आपके लिए क्रेजी दीप की वीडियो की एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। अगर गाइस आपको फुल वीडियो देखना है तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी। लेकिन ऐसे में मनीषा रानी, जब आपका नाम बिहार से जोड़ा जाता है, आपका इन्फ्लुएंस क्या है? आपकी ऑडियंस ये कहती है कि अगर हमने किसी को भाई मान लिया है तो क्या शादी नहीं हो सकती? आपका इन्फ्लुएंस ये है कि जब आप व्लॉग बनाते हो तो आप फॉरेनर लोगों को जबरदस्ती परेशान करते हो, हरास करते हो। दे आर थिंकिंग हम इसका तारीफ करने वाले हैं। अरे कितनी कमीनी छछुंदरी हरमजादी जो चड्डी पहन के घूम रही है, लाखने लग रहा है, मन को कर रहा है इतना मार के मुंह लाल कर दूं। कितनी कमीनी ब्ला 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 चड्डी पहन रखी है, शर्म नहीं आती? आपने तो बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। एक मिनट गाइस, और हमको बहुत बिकनी पहनने का शौक था गाइस। अरे भैया यार, भाग जाओ यार, मनीषा रानी आ रही है, कॉमेडी क्वीन, अभी हरास कर देगी कॉमेडी के नाम पे। तेरा मार के मुंह लाल कर देने पड़े बेसरा लोगों को, कुछ कह नहीं सकते। चुलबुलेपन और चुटियापन के अंदर डिफरेंस होता है। फॉरेनर को टच करना बिना परमिशन के, उनके कपड़ों के बारे में कमेंट करना या उनको अब्यूज करना, या बिग बॉस में एल्विश की निक्कर खींचना, क्या ये सही है? जबकि जैक और एल्विश ये चीज पहले ही कन्फेस कर चुके थे बिग बॉस में कि बाहर उनका रिलेशनशिप है, ये जानने के बावजूद ऐसी हरकतें करना मेरे को नहीं लगता कि सही था। पूजा भट्ट शुरू से लेकर लगभग एंड तक बिग बॉस के घर में थी, उन्होंने सब कुछ नोटिस किया। और जब बिग बॉस के बाद उनका एक इंटरव्यू बाहर हुआ तो उन्होंने भी ये कहा, आई थिंक वो अभिषेक को भी और करीब से हग करके उन्होंने उनको चुम्मा भी दिया, एक नहीं पांच। आपके एक्शंस की वजह से किसी की पर्सनल लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है, इससे ना मनीषा को ना उसके फैंस को कोई मतलब है, इन्हें बस चाहिए फ्री का क्लाउड। डियर आपके क्रेजी दीप के इस वीडियो को लेके क्या ओपिनियन है, मुझे अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।